अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है। जैसे आप लोगों से सुबह भी बात की थी कि साउथ अफ्रीका और इंडिया का जो मैच खेला जा रहा है, बहुत ही आई थिंक पैथेटिक परफॉर्मेंस रही साउथ अफ्रीका की। 162 पे पूरी टीम आज आउट होगी। उसके बाद आप देखें कि सेकेंड इनिंग में भी 132 पे पूरी सॉरी 8 आउट हो गए। तो कुछ समझ नहीं आ रही कि साउथ अफ्रीका की टीम कैसे खेल रही है। मतलब लग नहीं रहा कोई ऐसी प्रैक्टिस उन्होंने की हुई है या कोई वो इतने काफ़ी दिन से वो इंडिया के अंदर हैं। तीसरा टेस्ट मैच जारी है, लग नहीं रहा कि लगता है कोई इन्होंने कोई इतनी एफर्ट की है। स्पिनर्स को किस तरीके से खेलना है या फास्ट बॉलर्स को किस तरीके से खेलना है। फर्स्ट इनिंग की अगर हम बात करें, इवन आप सेकंड इनिंग की भी बात कर सकते हैं, आप देखें सिर्फ फास्ट बॉलर ने सिर्फ उनको विद इन स्टम्प बॉल किया है, विद इन स्टम्प बॉल किया है स्पिनर्स ने भी और फास्ट बॉलर्स ने भी। उसके बावजूद भी उनसे खेला नहीं जा रहा। बाउंसर्स अगर वो कर रहे हैं, बाउंसर्स भी उनसे नहीं खेले जा रहे। अब मुझे ये नहीं पता कि बाउंसर वो पिच जो अनइवन है उसकी वजह से उनसे बाउंसर नहीं खेले जा रहे, लेकिन साउथ अफ्रीकन जो प्लेयर्स हैं वो बाउंसर पे तो बहुत अच्छे लग ऐसे रहा है कि बाउंसर्स या स्पिनर्स खेलने की बात नहीं। आई थिंक जो क्वालिटी क्रिकेट होती थी, क्वालिटी जो बैट्समैन होते थे साउथ अफ्रीका के, वो उनके पास नहीं है। आई थिंक जो स्पिनर्स को बड़े अच्छे खेलते थे, जिसमें डिविलियर भी थे, जैक कैलिस भी थे, फिर आशी मामला भी थे, ये वो प्लेयर्स थे जो स्पिनर्स वगैरह को बड़े अच्छे तरीके से खेलते थे। तो उनकी जो बैटिंग लाइनअप वो बड़ी तगड़ी हुआ करती थी जब स्मिथ वगैरह भी खेलते थे। तो वो अब बैटिंग लाइनअप नहीं इनके पास, इसी वजह से आई थिंक बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया इनके ऊपर। डुप्लेसिस भी आप देख लें, बहुत बहुत अच्छा क्रिकेटर है, लेकिन वो भी जिस तरीके से आउट हो रहा है, बॉल के ऊपर कोई भी नहीं आ रहा, ऐसे लग ही नहीं। हालांकि आप पहली इनिंग के देखें, जिस तरीके से स्पिनर्स का बॉल स्पिनर्स पर वो आउट हुए सारे जो बैट्समैन हैं, इतना बॉल टर्न नहीं हो रहा, इतना कोई मुश्किल नहीं हो रही कि आप ये बोलें कि जी साउथ अफ्रीकन्स आके वहाँ खेल रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। कोई मुश्किल नहीं हो रही, या तो होना बहुत ज़्यादा बॉल ब्रेक हो रहा हो। अगर आप देखें दुबई के अंदर या शारजा या अबू धाबी के अंदर जिस तरीके से बॉल टर्न होता है जब हमारे बॉलर्स बॉल कर रहे होते हैं, आप देख सकते हैं कितना मुश्किल होता है वहाँ पर बैट्समैन को खेलना। उसके बरक्स अगर आप इंडिया के ये जो मैचेस देखें, ये जो तीसरा टेस्ट मैच हो रहा है, इसमें इतना ज़्यादा बॉल नहीं टर्न हो रहा जिसकी वजह से उनको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो। लग ऐसा रहा बहुत ज़्यादा पैनिक हुए हुए, बहुत परेशान हुए हुए कि स्पिनर्स को टैकल किस तरीके से करना है, ना फीट मूवमेंट यूज़ कर रहे हैं, प्रेशर में लेके डाल ही नहीं रहे बैट्समैनों को, बॉलरों को। एक ही जगह पे खेली जा रही, उनकी लाइन इतनी अच्छी बनी हुई, एक ही जगह बॉल किए जा रहे हैं। इसी तरह फास्ट बॉलर्स को आप देख लें, आप पूरा टेस्ट मैच उठा के देख लें, कोई इतना बॉल स्विंग सीम कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों जितने भी साउथ अफ्रीकन के बैट्समैन हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किल में है। बहुत ही गंदी सीरीज़ रही है साउथ अफ्रीका की, बहुत गंदी सीरीज़ रही है। किसी भी मैच के अंदर किसी भी प्लेयर ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया सिवाय पहले टेस्ट मैच के अंदर। इलगर ने भी इस टेस्ट मैच की सीरीज़ के अंदर 100 किया, फिर डिकॉक ने भी 100 किया। उसके अलावा किसी इनिंग के अंदर किसी प्लेयर ने कुछ भी नहीं किया। बोवोमा ऐसा प्लेयर है जो सेकंड इनिंग में भी 30 पे खेल रहा है और पहली इनिंग में भी उसने वो 30 पे आउट हुआ है। वो कुछ ऐसा प्लेयर है जो मिडल ऑर्डर में थोड़ा बहुत रन्स बनाने की कोशिश करता है, लेकिन आई थिंक उसके पास भी इतना एक्सपीरियंस नहीं है, वो इतना एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं है। लेकिन क्रेडिट फिर भी दूंगा मैं इंडियंस बॉलर्स को, जिस तरीके से उन्होंने बॉल की है। इसमें एक चीज़ बड़ी अच्छी होती है बॉलर्स की, अगर पिच में अगर कुछ भी नहीं है, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, इंडियन स्पिनर्स को या इंडियन फास्ट बॉलर को इतना एक्सपीरियंस है अपनी कंडीशन का। हालांकि आप देखें स्पिनर्स का बॉल इतना ब्रेक नहीं हो रहा, लेकिन वो इतनी अच्छी जगह पर बॉल कर रहे हैं कि उनको पता है कि साउथ अफ्रीकन्स इतने मुश्किल में, उनसे खेला भी नहीं जा रहा, वो विद इन स्टम्प बॉल कर रहे हैं। बस विद इन स्टम्प बॉल करते हैं, वहीं से आम बॉल होता है उनको समझ नहीं आती, वहीं से हल्का सा बॉल बाहर निकलता है वो आउट हो जाते हैं। उसी तरह फास्ट बॉलर्स ने जिस तरीके से बॉल की, कोई एक्स्ट्रा जोर लगाने की कुछ भी बॉलिंग नहीं की, विकेटों में बॉल किया और बाउंसर्स ट्राई किए उन्होंने, कि जिसकी वजह से साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स को ट्रबल हुई। बाउंसर इतना अच्छा, आई थिंक उनके हिसाब से इतना अच्छा लेवल पे बॉल नहीं आ रहा होगा, ऊपर नीचे रह रहा होगा, अनइवन बाउंसर आ रहा होगा, जिसकी वजह से उनको मुश्किल हुई। लेकिन आई थिंक एक्सपेक्टेशन इतनी नहीं बुरी थी कि साउथ अफ्रीका की टीम इतनी बुरी क्रिकेट खेलेगी। मुझे ऐसा लगता है, मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बात की है, ऐसा लगता है कि साउथ अफ्रीका में अब जो टैलेंट आ रहा है वो इतना एक्स्ट्रॉर्डिनरी टैलेंट नहीं है। साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड को, साउथ अफ्रीकन जो फैंस हैं उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी कि टैलेंट अब किस तरीके से लाया जाए। अब देखते हैं कि टैलेंट किस तरीके से आता है। आई थिंक इंडिया ने बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्रिकेट खेली है, रोहित शर्मा आउट क्लास क्रिकेट खेली है, विराट कोहली ने आउट क्लास परफॉर्मेंस दी है, शमी, जितने भी बॉलर्स थे इनके, उमेश यादव ने बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की। पर्सनली मुझे उमेश यादव बड़ा पसंद है, जो भी बॉलर उमेश यादव हो या दुनिया क्रिकेट के जो भी बॉलर
जो भी टेस्ट क्रिकेट खेलता है और आगे बॉल पिच करता है और स्विंग बॉल करता है वो हमेशा मुझे तो बहुत पसंद आता है। अब दूसरों को मुझे समझ नहीं है पसंद आता है नहीं आता, क्योंकि वो आइडियल बॉलर होता है टेस्ट क्रिकेट के अंदर। जिस जब वो बैट्समैन का बैट निकलवाता है तो उमेश यादव के अंदर ये क्वालिटी बहुत ज़्यादा। अश्विन ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, जडेजा बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं पूरी सीरीज़ के अंदर। रेहाने ने इस टेस्ट मैच की पहली इनिंग में जिस तरीके से उसने बैटिंग की, आई थिंक कभी कभार वो चलता है लेकिन जब चलता है तो नज़र आता है कि वाकई उसके अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी है। इसीलिए इंडिया की टीम के अंदर वो मुस्तकिल खेल रहे हैं। तो बहुत आई थिंक अफसोस हुआ कि मैं सोच रहा था कि बड़ी अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी अगेंस्ट साउथ अफ्रीका इंडिया की, लेकिन साउथ अफ्रीका वैसा परफॉर्म नहीं कर सकी। T20 की क्रिकेट उनकी बेहतर रही क्योंकि सीरीज़ बराबर हुई थी। आई होप कि साउथ अफ्रीका की क्रिकेट कुछ बेहतर हो जाए आगे चल के। इंशाल्लाह ताला फिर एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।